का जो भी संकल्प है उसके आधार पर काम करते हैं। तो ये जो दो जो हमारी अद्यतन समस्या है इसके लिए हम लोग पूरे तौर पर काम कर रहे हैं, और बाकी जो बिहार के लोगों ने जिम्मेवारी दी है, ये तीसरा टर्म चल रहा है और हम लोगों ने विधि व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द ये कायम किया है, और विधि व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को हर साल हर तरह से बनाने रखने की, और आप जानते हैं शुरू के दौर से ही हम लोगों ने तय किया कि भाई एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का काम लोग देखेंगे पुलिस थाने में, और एक है इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच करेगा कोई क्राइम होता है। समय लगा और अंततोगत्वा ये पिछले साल से लागू हो गया। तो हर तरह से हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जान लीजिए कई लोग तो बहुत बात कुछ बोलते हैं, पहले कितना अपराध होता था अब क्या होता है। जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित होता है पूरे देश के बारे में, तो 218 का प्रकाशित हुआ अपराध आंकड़ों के अनुसार दर्ज जो संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय औसत दर, देश भर का औसत दर, राष्ट्रीय जो भी संज्ञेय अपराध जो दर्ज होते हैं और संज्ञेय अपराध जो होते हैं, तो राष्ट्रीय औसत दर 1,00,000 की जनसंख्या पर 383.5 है देश का एवरेज, और बिहार का उसे काफी कम 222.1 है। ये जान लीजिए कि अपराध भी बहुत ज्यादा नियंत्रित हुआ। वैसे तो सब लोग जानता है कि आप कुछ भी कर दीजिए कुछ आदमी तो गड़बड़ करेगा, बाया दाया करेगा, हम तो हर बार इस बात को कहते हैं, लेकिन पूरी निगरानी और जान लीजिए बिहार का अपराध के मामले में 23वें स्थान पर बिहार है। इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी आबादी है और तब ये स्थिति है। और इसके अलावे आप सब जानते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सद्भाव के लिए हर तरह का काम हम लोग करते हैं। कब्रिस्तान की घेराबंदी का निर्णय हम लोगों ने लिया, कुल लक्षित कब्रिस्तान जिसकी पहचान की गई थी 6 में 8,064, उसके विरुद्ध 6,299 की घेराबंदी की जा चुकी है। और एक बात अच्छी तरह सबको हम बता देते हैं हमेशा, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के प्रति हम लोगों की जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये हमेशा रहेगा। और एक चीज जो बार बार हम कहते हैं, जब भी हम देखते हैं अपराध का, खास करके मर्डर का, उसका जो विश्लेषण करवाते हैं तो उसका तो 60% संपत्ति का विवाद, भूमि का विवाद ये कारण रहता है।